तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज चेहरे पे खुशी देख लो, हमारा हो रहा है भाई एक ट्रिप प्लान। एक्चुअली प्लान नहीं हो रहा, हम निकल ही चुके हैं भाई। तो अब ट्रिप पे पहली बार ही हमारे साथ जा रहा है डब्बू और कमल, और भाई एक भाई और जा रहा है, उसको भी अभी पिक करते हैं। तो पहले डलवा लेते हैं भाई, खर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं, डीजल डलवा लेते हैं। और गाड़ी ये देख लो बिल्कुल ही है ना, मतलब खत्म, डीजल बिल्कुल खत्म हो रखा है, देख लो। तो चलिए पहले इस कुएं को भी तेल भी लाया जाए। ये देख लो भाई 4710 का तेल पी चुकी है गाड़ी, और ये भाई लोग कर रहे हैं एंजॉय। उसको फोन कर ले कितनी देर में आ रहा है वो। धक्का ना करो वीर जी, धक्का तो अभी करेंगे, रुक जा। तो भाई हमारा तीसरा चौथा साथी आ चुका है भाई, इसने ना बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा वेट करा दिया, इसने आज परेशान कर दिया। गाड़ी 100 किलोमीटर डीजल इसे करके बाहर खा गई। तो भाई इसका नाम है मोंटी, और हमने कर दिया हितेश खत्री ऑफिशियल ट्रिप हो चुका है शुरू, और बस निकल चुके हैं, और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट सिचुएशन पे। हम चढ़ चुके हैं केएमपी, और अपना केएमपी से जाएंगे पहले मानेसर, फिर दिल्ली जयपुर हाईवे पकड़ते हैं। रोड देख लो भाई कितने ऑसम है, मतलब अल्टीमेट लेवल के रोड है ये देखो, और ऊपर से भाई भगवान ने भी साथ दे रखा है। सारे भाई अपने ये टी शर्ट पहन के आए थे, नॉर्मल रिलैक्स होके आए थे, ऊपर से मौसम भी मेहरबान हो रहा है। होपफुली जाके जयपुर में मौसम भी अच्छा मिले। जयपुर में बात हो चुकी है, वहाँ के जो वो है ना चाचा विधायक हैं, उन्होंने बता दिया है कि आप आ जाओ, अरेंजमेंट हमने करा रखा है, बादलों को बुला रखा है। बस बिल्कुल वो भी लैंडिंग पे हैं बादल, मतलब हम एक आधे घंटे के गैप में होंगे। ऑल ओवर वेदर, शायद पहले ही पहुंचे शायद बाद में भी, वो तो मर्जी है। बाकी वेदर ओके, तो निकल रखे है भाई, देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे, और ये कुआं कितना तेल पिएगा वो भी बताता हूँ आपको, जयपुर तक ये कुआं कितना तेल निकल जाएगा। चलो मिलते हैं। कमल ये देखिए आगे हो क्या रहा है। ये देखिए वो वेलकम फिल्म में वो नहीं था, वो मजनू उगी पेंटिंग थी, घोड़े पे कदा बिठा रखा। भाई ट्रक के ऊपर बस जा रही है, हिमाचल की जा रही है, हरियाणा में है। गधा है भाई, गधा ही जा रहा है घोड़े पे बैठ के। यहाँ के लिए मोल क्या रही है, 50,000 दिए, 50,000 दिए भाई। ऐसी ऐसी मस्तियां मिलती रहेगी भाई, स्टे ट्यून्ड। घर से आशु पैक करा के लेके आया था पराठे, एक नंबर की बन रहे भाई। 3 बज गए, घंटा नहीं ज्यादा 1.5-2 घंटा हो गया था, किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं कर रखा था, किसी ने भी लंच नहीं कर रखा था। अब चलते चलते चल रहा भाई, गाड़ी चल रही है 5-10 की स्पीड में, हम कर रहे हैं एंजॉय पराठे। गाइस कैसे बने हुए वैसे, कमेंट्स में बताएंगे। अच्छा ठीक है, मिर्ची दे दे भाई। बोलो जुबा केसरी, ये देख लो भाई जुबा केसरी के बोर्ड देख लो। केसरी है भाई, राजस्थान में केसरी। तो भाई बीच में एक छोटा सा स्टे लिया अभी अभी, और गए थे राजस्थान की तरफ, और यहाँ मिल रहे भाई देखो गोल्डन हुक्के, हुक्का सॉरी देसी हुक्का, ये देख लो। ये भाई है भाई का ढाबा भाई, यहाँ 10 मिनट के लिए स्टे के लिए रुके थे। ये मोंटी है, और ये अपना भाई सारे फोटोग्राफ ले रहे हैं, क्योंकि पीछे ना यहाँ पे मतलब पहाड़ी है, तो गाड़ी से एंगल में सेट हो रखी थी, मतलब फोटो सबके ओर से मारे थे। तो अब ये बुआ ने दे रखे भाई चावल, अब खाएंगे ये, अब चावलों का सेवन करेंगे। हाँ अब चावलों का करेंगे सेवन, और भाई हाँ, और लगभग एक डेढ़ घंटे के आसपास का रूट रह गया है। तो भाई कह रहा है ये हमारा 100 गज का प्लॉट देखो, पीछे भरा है बोला हुक्का देख लो, हुक्का गोल्डन वाला दिखा दिया भाई। ये जहाँ पे गाड़ी खड़ी है ये इनका 100 गज का प्लॉट है भाई, चार दीवारी करवा ली इनने हत्ते के साथ। खोल भाई खोल इसको फटाफट यार, बाकी मौसम ना मतलब एक नंबर का हो रहा है, बारिश जैसा हो रहा है, लेकिन अभी आएगी नहीं आएगी उसे कोई कंफर्म नहीं कर रहे। वो भाई ने हुक्का कर दिया चालू, ये भाई हुक्का पियेंगे अब। खोल दे भाई जल्दी जल्दी, खोल ले जल्दी जल्दी, खोल ले भाई यार खोल ना। हेलो भाई रिफ्रेशमेंट होगी भाई सारा की, सारे कटी एक नंबर के खा पी के बैठ लिए, दही पी के बहुत ज़्यादा, लस्सी भी बहुत ज़्यादा पी के रही है। और भाई हरियाणा वाले भाइयों के लिए एक स्पेशल एक चीज़ है, हरियाणा से जब भी आओगे तो भाई ढाबे का नाम है मोहित टी स्टॉल, और भाई हुक्का 24 घंटे मिलेगा, और ये दोनों भाई मिलेंगे। तो भाई दोनों ने बहुत बढ़िया सेवा उठाई है भाइयों ने,
ओ भाई से नाम पूछ रहे थे, भाई आपका क्या नाम है? सतीश नाम। सतीश नाम है भाई आपका? मुकेश। तो भाई होक्का तरद में मिल लगा है, जब भी आओगे उसके बाद भैया का व्यवहार भी भाई बहुत अच्छा है। हाँ ये भाई पीछे अपना ये जय सिंह सेतिया का ये फार्म हाउस है, इससे अगली वो है। और भाई अपनी पार्टी होगी रेडी, ये खड़ा अपना मोस्टर निकले भाई अब फिर चल। इसको इन देख लो भाई कैसे पड़े भाई, ये लस्सी और चावल खा के। बात इसी है, चाहे सो तो सो ज्यादा लागते हो पर होटल पहुंचा दे। होटल तो पहुंचा भाई, रुक जा। एक ये नजुबान केसरी ने खा लिए भाई, विमल के जावे भी देखो विमल और अपना ये जुबा केसरी के बोर्ड लगे हुए हर जगह है। बॉलीवुड तो छोड़ने दिया, पीछे बॉलीवुड जैसे, बॉलीवुड जैसे हॉलीवुड लिखा हुआ है स्टाइल में, वैसे एमिटी यूनिवर्सिटी का बोर्ड भी लगा हुआ। जयपुर से ज्यादा जुबान केसरी के बोर्ड है रोड पर। ऐसा लग रहा है जैसे जुबान केसरी के देश में आ गए हूं। अक्षय कुमार खड़ा मिला आगे के लिए, जैसे अक्षय कुमार माला लेके आएगा, आ जाओ जुबान केसरी की। जुबान केसरी आप बता रहे हमारे देश के, धन्यवाद। कर दो भाई वीडियो बंदी। भाई फाइनली होटल ले लिया है और अपना सामान वामान निकालने की तैयारी चल रही है। मोंटी यहाँ पे गाड़ियों में से सामान अपना कर रहा है इधर उधर। तो भाई वो दोनों जा रखे हैं बंदे आशु और कमल अपना रूम फाइनल करने के लिए, हम बैठे हैं गाड़ी में इंतज़ार के लिए। तो चलते हैं भाई, मोस्ट प्रोबेबली हम पहुँच गए थे यहाँ पे 6:30 के आसपास पहुँच गए थे हम, एक घंटे के आसपास लग गया था। स्नैक्स दिखा रहा है मुझे, खाऊंगा भाई अभी आज ये सारे के सारे बच गए भाई हमारे लिटिल हर्ट्स और ये केक वगैरह। तो बेसिकली ये है जो काम था पहले, आज काम निपटाएंगे, व्लॉगिंग करेंगे तसल्ली से, कल जो यहाँ पे घूमने फिरने की जगह है वो दिखाएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो फिलहाल इतने भाई, स्टे ट्यून्ड रहना चैनल पे, और जो भी भाई नए हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों कर देना। अभी दिखाता हूँ रूम जहाँ हम स्टे कर रहे हैं थोड़ी देर में, आज टेम्परेरी होटल ले रखा है, कल मतलब अच्छा सा लेंगे। मेरे भी ना कर दिया, तेरे भी ना कर दिया। तो भाई ये फाइनल कराया तू रूम? हाँ सही है। तो एमरजेंसी में तो भाई यही चीज़ है, कल सरप्राइज है। आज के लिए जो भी करना था हमने कर लिया है भाई, फटाफट रूम में चलो, पहुँच तो जल्दी करो, थकावट किस चीज़ की हो रही है आज। और भाई ये देख लो अपनी मॉन्स्टर, ओके बिल्कुल चमक रही है अभी तक भी। हाँ भाई कमल, जयपुर में वैसे मौसम में गर्मी नहीं है आज, है ना? दिल्ली से ज़्यादा ठंडा फिलहाल। हाँ देखना भाई बदल से आ रखे भाई यहाँ। और ये भैया आएंगे जिनका रूम है ये वाला, जिनका सॉरी ये होटल है, नाम नहीं पता भाई, जो भी है रॉयल रेजिडेंसी। हाँ रॉयल रेजिडेंसी, बजट वाला रूम जिसको बोलते ना, ये वो वाला है। कल थोड़ा सा एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंस करेंगे, तो हमारा वैसे आने का विचार कल था, तो इसलिए आज के लिए हमने होटल बुक नहीं किया था, तो इसलिए वॉक इन पे किया था। तो मिलते हैं भाई ऊपर जाने के बाद।